19 मई को गोरखपुर में अधिक से अधिक मतदान कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन लगातार अपनी कोशिशें कर रहा है। इसी के तहत नागरिक सुरक्षा कोर के लोगों ने बाइक रैली के माध्यम से लोगों को 19 मई को होने वाले चुनाव के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से एक मतदाता जागरूकता मोटरसाइकिल रैली निकाली। इस रैली को जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयन पांडेन ने हरी झंडी देकर रवाना किया। नागरिक सुरक्षा कोर की यह मोटरसाइकिल रैली शहर के प्रमुख चौराहों से होते हुए अलग अलग मोहल्लों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाली गई। इस रैली के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयन पांडेन और नागरिक सुरक्षा कोर के चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी ने सिटी वन से बात करते हुए कहा कि लोग 19 मई को गर्मी पर ध्यान ना देते हुए अपने अधिकार का प्रयोग करें। तो बाइक रैली निकले हैं लोग, तो पूरा शहर में जाकर के खासतौर से कहाँ कहाँ मतदान कम होता है, मतदान परसेंटेज कम होता है, उसी इलाका में इन लोग भ्रमण करेंगे। उसके साथ साथ 19 तारीख का जो चुनाव है उसी दिन भी वॉलंटियर के रूप से हर जो बूथ में यथासंभव ज़्यादा बूथ, यहाँ तो 86 सेंटर है शहर में, उसी सेंटर में वॉलंटियर के रूप से भी काम करेंगे, क्योंकि मतदाता बढ़ाने के लोग साथ साथ दे रहे हैं सर अनेक काम है। हम लोगों ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का अभियान शुरू किया था, जिसमें कि जगह जगह पर हम लोगों ने जाकर के लोगों घर घर जाकर के लोगों को जागरूक किया है। 12 दिन होने के बाद आज 13वें दिन हम लोगों का ये महारैली है, जिसमें हम लोग मोटरसाइकिल से और पूरे शहर में जाकर के और लोगों को मतदाता जागरूकता के लिए जागरूक करेंगे और चाहेंगे कि इस बार हमारे गोरखपुर का वोटिंग प्रतिशत कम से कम 70 से 80% हो।